हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा चैनल में आप सबका स्वागत है। तो ये आज मेरा पहला ब्लॉग है, पर्स ब्लॉग है। तो इसमें आप लोग को मैं हम लोग का लोकल जो है कैसे ये फिशिंग करता है वो आप लोग को मैं पूरा दिखाने का पूरा कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो वीडियो में कुछ अगर गलतियां हो तो माफ़ कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर एडवाइस कीजिएगा। बने रहिए मेरे साथ, चलिए चलते हैं आज के वीडियो की ओर, लेट्स गो। तो दोस्तों इसको पार करके जो है हम लोग वो ऊपर जो आप पहाड़ देख रहा है, वो पहाड़ जो देख रहा है वहां से होके उसको पार करके जाएगा। तो बहुत दूर है, काफी 2 घंटा ऐसा लग जाएगा। तो रास्ता भी बहुत खराब है। तो दोस्तों ये जो मेरा हाथ में जो गन है, ये हम लोग अरुणाचल के जो लोग है इसको अपना सेल्फ डिफेंस के लिए जो सिक्योरिटी के लिए घर में रखा जाता है, रखता है इसको हम लोग हंटिंग के लिए नहीं। तो यहाँ जंगल है, दूर है, इसलिए हम लोग लेके आया। तो यहाँ का बालू और बाघ जो है बहुत डेंजरस होता है, वो इन लोग आदमी को इंसान को बहुत बार अटैक भी किया है यहाँ का लोगों को, इसलिए हम लोग इसको सिक्योरिटी के लिए रखता है। तो ये जो खराब हो गया था, ये जो आप लोग को दिखाएगा, ये सुई जो है खराब हो गया था, इसको खाली जो पंगन में रिपेयर करके लाया है। तो देखता है इसको टेस्ट के लिए ये लाया है, एक नंबर, आप लोग के सामने टेस्ट करेगा। तो ये अच्छा हुआ है कि नहीं वो आप लोग टेस्ट करने जा रहा है। तो ये इस तरह है, ये रेडी है। तो गाइस ये वाला जो ये गांव से इसको टेस्ट करेगा। वाओ गाइस, ये बढ़िया हो गया, मस्त झटका दिया रे दोस्तों, झूठ नहीं बोल रहा यार, रियली बहुत जोर से झटका दिया है। तो बहुत ही ये ठीक हो चुका है, बहुत अच्छा है, अभी ये बढ़िया हो गया। तो ओके गाइस, वीडियो पे बने रहना। फाइनली हम लोग पहुंच गया स्पॉट में। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे फिशिंग करना। तो फिशिंग के लिए जो जो आइटम लाया है इसको आप लोग को मैं दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिए, ये इससे जो है थोड़ा बड़ा मछली मारने का कोशिश करेगा इससे। ये देखिए आप कांटा देख सकता है, इस तरह है कांटा, बहुत बड़ा, इसमें 3 कांटा है। तो उसके बाद जो है ये थोड़ा छोटा छोटा मछली के लिए, छोटा पीस के लिए है, छोटा पीस के लिए इसको यूज़ करेगा, ये जो कांटा थोड़ा छोटा है। उसके बाद यहाँ आप आइटम देख सकते हैं, उसके बाद ये भी है व्हील, पूरा व्हील है, ये बड़ा हुक है, इससे बड़ा फिशिंग करेगा, जो गोल्डन मसीर वो सब के लिए ये लाया गया है। और चारा के लिए हम लोग का ये छोटा छोटा मछली है, और कुछ कुछ कीड़ा भी है आइटम, और ये छोटा मछली मारने के लिए ये तम्बीन बोलता है हम लोग, ये तम्बीन, इसका सीजन है। उसके बाद जो है अगर ये मिस हो गया तो ये जो है ये एक उंगली, देखिए सामने से देख सकते, ये एक एक उंगली, दो उंगली है, दो उंगली घुसता है, इसको यूज़ किया जाए। उसके बाद ये एक उंगली का, क्योंकि हम लोग को हमको आप लोग को छोटा से लेके बड़ा मछली तो दिखाना चाहता हूँ मैं आप लोग को, इसलिए ये सब लाया है, अलग अलग जो है छोटा बड़ा, ये सबसे बड़ा है, इसमें 1 केजी 2 केजी वाला पसेगा, ये पसी जाल जो है, ये जो है छोटा मछली के लिए है, 2 उंगली का यहाँ डाल रहा है छोटा मछली के लिए दोस्तों, इसको यहाँ डाला जाएगा। अन्यों को निकलिगला आंदो पर निकलिगला, होयुक तो कुला डैम डैम हो, आइए आइए आइए, तो इसमें बना जाएगा, ये छोटा लकड़ी में बन रहा है, क्योंकि ये जाल जो है इसका, ये छोटा मछली पसेगा इसमें, छोटा मछली के लिए ही है, इसलिए इसका दंता भी छोटा छोटा वाला में बना है, छोटा दंता में बना है। तो देखते हैं कल इसमें कितना मछलियाँ जो है पसता है। ये जो है ये ईल पीस के लिए है, देखिए ईल पीस के लिए वहाँ पे एक प्लास्टिक का जो बोतल है वो बना गया, ये ईल पीस के लिए है, ईल पीस, देखते हैं कल इसमें पसता है कि नहीं पसता है।
तो ये ईल पीस के लिए मेरा एक दोस्त है, ये सिसेन से आया। सिसेन का एक दोस्त जो है ये डाल दिया है ईल पीस के लिए, तो देखते हैं कल इसमें पछता है कि नहीं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गया। तो हम लोग कल, एक्चुअली कल हम लोग जाल डाल डाल के तरह पूरा रात हो गया था, इसलिए आप लोग को जो है अभी सुबह में मिल रहा है, मिलना पड़ रहा है। तो अभी हम लोग जाके देखेगा वो जो कल का जो जाल और जितना बिछाया है उसको आप लोग का कैमरा का सामने पूरा दिखाएगा। तो चलिए चलते हैं सीधे स्पॉट पे, लेट्स गो। तो दोस्तों ये पार्ट्स जत्रा है, जत्रा में शायद कुछ लग रहा है दोस्तों। अरे अरे अरे, मछली फंसा है दोस्तों, ये देखिए। अरे मोबू को आई, ये देखिए ईल मछली। अरे इसको थोड़ा धीरे धीरे निकालना पड़े, देखिए ये लुढ़क रहा है, लुढ़क रहा है। जैसे घोड़ियाल जो क्रोकोडाइल जैसे करता है ऐसे कर रहा है ये, देखिए देखिए ये, वाह। ईल पीस, गांपुया भाई, ओए बाप रे, इसको कैसे निकालू, पूरा इसका मुंह खुला है, काट भी सकता है। सेट देन लगा नहीं को है ना, हेलो लगा नहीं को इनको लाजो। गाइस ये देख सकते हैं आप, देखिए गाइस ये है ईल पीस, सियांग रिवर का जो है ईल पीस, बहुत बड़ा है ये। एक केजी से ज़्यादा होगा भाई, 1 केजी से ज़्यादा होगा। इसको नहीं पकड़ सकता है अभी, अगर इसको ऐसा पकड़ेगा तो पूरा स्लिप है इसका, जो स्लिप जो है हाथ में लग जाता है गम जो, इसलिए हम लोग इसको बालू बालू तरफ लेके जाएगा। तो देखते हैं, वो ये पर्स सूप में फंसा हुआ है एक, वही जो अभी जो मरा था गोयो, लकेल पंकज, लकेल पंकज। अरे निकल गया ये देखिए, ये एक तो मिला, और सेकेंड हुक में दूसरा। ये मछली अलग है, थोड़ा काला करके और छोटा है, बहुत छोटा है। और तीसरा, अरे तीन चार, वाह 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 भाई, वाह भाई, मजा आ गया भाई। दोस्तों इसमें चार हुक, पांच हुक है, एक मिस हो गया, चारों का चारों लगा हुआ है, देखिए वही है ये लकेल पंकज। ये बहुत टेस्टी होता है खाने में, बहुत ही ज्यादा टेस्ट होता है इसका, बहुत टेस्टी मछली मिल गया देखिए। ओह सत, क्या फेंक दिया ये यार। ये अच्छा जगह में था रोसी, जो पानी कम कम होने के कारण सब रोसी जो है बाहर आ गया, पर ये एक ही जो है अच्छा जगह में बैठा हुआ था, इसलिए इसमें चार तो फंस गया, देखिए गाइस। तो गाइस आज का जो हम लोग का पीस कलेक्शन जो है इतना ही मिला है, ये जो है कुल मिला के 3 केजी से ज़्यादा होगा। ये ईल पीस जो है, ईल पीस है बहुत बड़ा मिला है, ये सियांग रिवर का ईल पीस है, इसका लगभग इतना ही बड़ा होता है, ये बहुत बड़ा है देखिए आप। उसके बाद जो है ये वाइड वाला जो पंकज जैसा है, इसको ngob कहता है हम लोग, और ये जो है ईल पीस को हम लोग जो है ngob कहता है, ngob है, और दो ngob है, दो ईल पीस। उसका बाद ये है, ये तरह लाल करके है, सांप का जैसा है देखने में, इसका भी इतना ही बड़ा होता है।